कानून ने महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं कि उनके ऊपर अत्याचार ना हो, लेकिन कई बार ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो उसी कानून का दुरुपयोग करती है, यानी कि मिस यूज करती है और किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के लिए झूठा रेप केस डाल देती है। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एक महिला ने झूठा रेप केस डाला और फिर पता चला कि वो जो रेप केस है वो झूठा है। उसके बाद जो है कोर्ट ने उसके ऊपर 6 लाख रुपए जुर्माना और 4 साल की सजा सुनाई है। जानते हैं कौन सा था वो केस और क्या थे केस के फैक्ट और किस तरह से कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, उसको जुर्माना जो है दिया, यानी कि उसके ऊपर लगाया गया। यूपी के बरेली का यह केस है जिसमें कि क्लियर हो गया है कि कई बार महिलाएं अपने लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए उसी का मिसयूज कर लेती हैं। सितंबर 2018 की ये बात है, इसमें एक महिला जो है पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पे कहती है कि मेरी 15 साल की बेटी को इस आदमी ने, जो जिस आदमी के खिलाफ वो एफआईआर करवा रही थी, नाम नहीं बता रहे हैं हम, उस आदमी ने जो है पहले किडनैप किया और फिर उसका रेप किया। अब ऐसी एफआईआर पर जब लड़की को बुलाया गया तो लड़की ने भी कहा कि हाँ, जो मेरी माँ कह रही है वो सही है, मेरा किडनैप किया गया और उसके बाद रेप किया गया, यानी कि उसने झूठे बयान दिए, झूठी गवाही दी। अब उस आदमी के खिलाफ जो एफआईआर करवाई गई थी और लड़की के बयान के बेस पर उस आदमी को जो है सजा सुना दी गई, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद जो लड़की है वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने जो गवाही दी, बयान दिए, वो माँ के प्रेशर में आकर दिए और माँ ने जो इसके खिलाफ केस करवाया है वो झूठा है। अब ये बात जब ऑनरेबल कोर्ट को पता चलती है कि शपथ लेने के बाद भी इसने झूठे बयान दिए हैं, लड़की ने झूठी गवाही दी है, झूठी एफआईआर की है, उसके बाद कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया। बरेली के कोर्ट का ये मामला है और यहाँ पे कहा गया कोर्ट के द्वारा कि इस लड़की ने जो झूठी गवाही दी है, पुलिस का समय बर्बाद किया है, उस गवाही के बेस पर उस आदमी को जो सजा दी गई है, जो बेगुनाह है, जो 4 साल से सजा काट रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जितने दिन इस आदमी ने सजा काटी है, 4 साल के लगभग, यानी कि 1653 डेज के लगभग उसने सजा काटी, उतने ही दिन आपको भी जेल में सजा काटनी होगी। और जेल में रहने के कारण जो इसकी इनकम पर इफेक्ट पड़ा है, यानी कि अगर जेल में नहीं होता तो वो बाहर कुछ कमाता, तो वो कमाता तो उसका कुछ इनकम होता, लेकिन जेल में वो बेगुनाह था फिर भी रहा, तो इसके लिए भी आपके ऊपर 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है, यानी कि 6 लाख रुपए आपको उसको देने होंगे। उत्तर प्रदेश बरेली का ये केस है सेक्शन 195 आईपीसी के तहत। अगर आप झूठा सबूत या गवाही देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि महिला ने आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप सजा को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, आप लड़ सकते हैं, तो आपकी सच्चाई भी सामने आती है और वो जो लड़की है जिसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है उसको भी सजा होगी, उसके ऊपर भी जुर्माना लगेगा, तो डरिए नहीं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करने की, आपकी परेशानी को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा। धन्यवाद।